What's up guys, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing great. So आप सोच रहे हो कि इतनी देर बाद मैं स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ आज का ब्लॉग, क्योंकि थकान बहुत है, अभी भी है. और अगर अच्छा ही है कल वर्कआउट करने गया, क्योंकि होता क्या है कि अगर मैं वर्कआउट ना करूँ और जो थकान जो कल भी हो रही थी अगर नहीं करता उसके बाद भी, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती मेंटली भी और फिजिकली भी. फिजिकली तो हो ही रही है बट मेंटली भी हो जाती. तो उसी पर्पज़ के वजह से मैं उतना कुछ मतलब वर्कआउट वाली उतना मतलब क्वालिटी वाइज अगर ना हुआ हो, बट फिर भी अगर हम करते रहेंगे तो उससे हमारी जो एनर्जी हो वही की वही रहेगी. सो आज तो भैया यही हुआ. आज हम लोग सुबह सुबह ऑफिस में आ गए थे, काम चल रहा था. पहली बात, अगर ऑफिस को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करो, वेबसाइट का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में. तो अभी यहाँ से जस्ट जा रहे हैं घर, और घर जाके खाना खा के फिर उसके बाद काम करना है और बाकी सारे ऑफिसर्स के काम करने हैं. तो आज चलते हैं. क्या PNB बंद करो यहाँ का, पैसा काम करो. फाइनली काम हो गया है भैया. एक्चुअली में काम कुछ खास नहीं था. एक्चुअली में ऑफिस का जो चेकबुक था वो ख़त्म हो चुका था, उस चीज़ की रिक्वेस्ट के लिए आए थे. तो इन दी एंड हुआ क्या, कितने दिन लग रहे पापा चेकबुक रिन्यूअल आने के लिए? 20-25. भाई साहब एक महीना ऑलमोस्ट. मतलब बताओ, पहले कहाँ हमें अंडर 1 वीक में मिल जाता था, आफ्टर 3 वीक्स हमें मिल रहा है. कैसे दिन आ गए यार, मतलब बताओ. कोविड के बाद से अब वाकई में लग रहा है अब कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ गया बिजनेस इंडस्ट्री को, तो खास करके बैंक्स को. तो और ऑलराइट, तो अभी हम लोग आए हैं हैबिटेट सेंटर पे. और जिनको क्या, आप लोगों को तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, कल एक्चुअल में पापा का बर्थडे है, तो उनके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं. और पापा के लिए भी मतलब सरप्राइज होगा, क्योंकि छुपा के रखा है बहुत. तो देखते हैं क्या ले सकते हैं उनके गिफ्ट के लिए. और साथ साथ हमारे ऑफिस के भी 2 साल हो जाएंगे. तो ये खाने पीने का मतलब यहाँ पे तो बहुत कम हो गया खाने पीने का, तो कहा जाए देखते हैं, चलो कहीं कुछ खाने पीने को मिल जाता है. और सामान ले लिया तो क्या है, वो पापा आपको पहन के दिखाएंगे जब भी दिखाने का मौका मिलेगा तभी दिखाएंगे, वरना सोच लो भैया ऐसे ही रखा रहेगा. पहनते बहुत कम है टी शर्ट्स एक्चुअल में, तो देखते हैं. भाई तो आइसक्रीम खा रहे हम लोग बिहार से, और मेरा है चॉको चॉकलेट चिप और कॉटन कैंडी, मम्मी का है बनाना और कौन सा बनाना एंड स्ट्रॉबेरी. तो दोनों ही बहुत अच्छे फ्लेवर हैं, हालांकि वो मैंने टेस्ट किया नहीं तो अभी करूँगा. भाई तो फाइनली नाउ आई एम रेडी फॉर जिम, और अब यहाँ से जाएंगे जिम. हम लोग थोड़ा जल्दी जाएंगे क्योंकि यार पापा के लिए मतलब केक भी हमें लेना है. तो अब पता नहीं कि कब जाएंगे जिम, बट अगर केक नहीं लिया, और केक हमें आते वक्त ही लेना है, क्योंकि अगर हम यहाँ से जाएंगे केक लेके अगर हम जिम में वर्कआउट करेंगे तो केक का यार कुछ पता नहीं कि वो ख़राब भी हो सकता है नहीं भी हो सकता. तो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि यार जिम अभी पहले चले जाते हैं और फिर उसके बाद वापस आते हुए फिर हम केक ले लेंगे. और जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि यार बहुत बड़े बड़े लोगों का मतलब ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट. सो आई थिंक यार मतलब मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ को पर्टिकुलर मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि यार देखो बात ये है यार कि यार देखो जो अभी रिसेंटली जो रिपब्लिक डे के दिन जो हुआ है वो ऑब्वियसली दैट वाज सो रॉन्ग. और
मेरे हिसाब से तो गलत हुआ है, बट गलत किसने किया है ये भी नहीं पता, क्योंकि आप लोग ज्यादा जानते हो, आपको भी ज्यादा नॉलेज है, आपको भी पता है कि इसमें कौन कौन है कौन कौन नहीं है। और आई नो, मैं भी जानता हूँ, मेरे को भी नॉलेज है, तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ। तो जो रिपब्लिक डे के दिन जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है, और खास करके इसमें लोग कितने मरे हैं और क्या क्या चीजें हुई हैं, बहुत ज्यादा ब्रूटालिटी हुई है, बहुत लोगों को फेस करना पड़ा है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है लोगों के साथ। और मैं मतलब अगर मैं इस चीज को अगर इस बात को मैं अगर कंक्लूड करूं तो मैं बस यही कहना चाहता हूं यार कि मतलब एक ना इस बात को मतलब दोनों साइड से यार खत्म जितनी जल्दी हो सके, जितने प्यार से हो सकता था वो अगर अब भी हो सकता है, और अगर कर देते हैं तो किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी की कोई बेइज्जती नहीं होगी। और ट्रस्ट मी, ये किसान भी यही चाहते हैं कि मतलब अगर मतलब प्यार से बात सुन लेते तो आराम से भी हो सकता था। और ये सब ब्रूटालिटी जो हुई है रिपब्लिक डे के दिन, आई एम श्योर कि यार बहुत लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इनफैक्ट यही चाहते थे कि यार बहुत प्यार से निकले, सब सब कुछ खत्म हो जाए और मतलब विद पीस सब कुछ सेटल हो जाए। मैं अब भी यही चाहता हूँ यार, विद पीस सब कुछ अभी सेटल हो जाए यार। मतलब मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं किसान के साइड हूँ या मैं मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड हूँ, मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ हर बार, मैं अब भी यही कहता हूँ मैं किसी की साइड नहीं लेता हूँ। बट जस्ट मैं यही चाहता हूँ यार कि अपनी लाइफ यार बिल्कुल खुशी से रह सकते हो और अच्छे से रह सकते हैं, मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंग्स विच वी डोंट वॉन्ट। और दिस इज समथिंग दैट इन विच यू नो वी ऑल मस्ट नो अबाउट इट। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बाहर के भी लोग अब अगर मतलब किसी एक चीज को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं या नहीं कह के कह रहे हैं, बट उनको फिर भी पता है और वो भी यही चाहते हैं, और एग्जैक्टली हम लोग भी यही चाहते हैं कि यार सब कुछ एट पीस, सब कुछ खत्म हो जाए यार। मतलब चाहता तो मैं भी यही हूँ कि सब कुछ एट पीस, सब कुछ खत्म हो जाए, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने, वो प्यार से भी हो सकते हैं, बट आई डोंट नो क्यों ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अभी तक ये कहूँगा यार सब कुछ प्यार से खत्म हो सकता था, अब भी हो सकता है इनफैक्ट, और अगर हो सकता है तो यार वेल एंड गुड, वरना गॉड होप क्या होगा, और भगवान करे यार ऐसा कुछ ब्रूटल ना हो। और क्योंकि मतलब कुछ लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो रहे हैं, और मतलब मुझे ना मतलब खासकर कि यार हम लोग को मतलब हम लोग को एज अ फैमिली हम लोग को ये अच्छा नहीं लगता है जब किसी का कोई फैमिली मेंबर जब कोई गुजर जाता है, और बहुत बुरा लगता है, और हम चाहते भी नहीं है कि यार ऐसा कुछ भी हो उसके साथ, और सब कुछ प्यार से रहें, मतलब पूरा अच्छे से अपना जीवन प्यार से बिताएं और सब कुछ मतलब बिल्कुल मतलब यू नो सब कुछ स्मूथ एज अ सिल्क हो, बट दैट्स नॉट द केस। और सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे डार्केस्ट मोमेंट्स बहुत होते हैं, सो देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट यार। बट फिर भी यार अगर कुछ भी हो सके, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग दुआ करो कि यार मतलब दोनों तरफ से किसी को कुछ ना हो, प्यार से रहो और मतलब पॉजिटिव रहो, और मतलब एट पीस सबके साथ, मतलब यू नो जो भी कोई लड़ाई झगड़े हैं सब कुछ यार सब काट दो, मैं ही चाहता हूँ। और सब प्यार से भी रह सकते हो तो प्लीज ये चीज़ ख़त्म करवा देते हैं यार, मतलब करवा कर देते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट अगर ये मैसेज कहीं तक भी पहुंच जाता तो मैं यही चाहता हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाए। हाँ भैया आ गए हैं, जिम आ गए हैं, तो भैया वर्कआउट कर लेते हैं, तो वर्कआउट करने के बाद आपसे बात करते हैं, और अभी तो केक भी लाना है तो करते हैं। ऑल राइट, केक भी ले लिया, अब बस देरी है बर्थडे सेलिब्रेशन की, सो
इसको यहाँ पे ही रखता हूँ इस व्लॉग को, और नेक्स्ट व्लॉग में आप देख पाओगे कि बर्थडे सेलिब्रेट जो हुआ है पापा के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, और सब्सक्राइब का बटन भी दबा देना जो इधर है, और जिनको देख रहा है सब्सक्राइब का बटन है दबाना है तो दबा दो, और ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दो, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी है उसके साथ, उसको भी दबा दो ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे और मेरी जर्नी में शामिल हो जाओगे। और आज के लिए बस इतना ही। एंड अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट टाइम। बाय 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 बाय।